हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर द एस्ट्रो ओपिनी। बात करेंगे आज एक बार फिर से हमारी रोजाना जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी प्रॉब्लम की जिससे जिसकी जो लत है वो अगर लग जाती है तो दिन ब दिन हम लाचार होते जाते हैं। इस नशे की आदत से किस तरह से हमने छुटकारा डालना है, किस तरह से हमने इससे बचना है, ये जानेंगे कुछ ही समय में अपने नाम को प्रसिद्ध करने वाले हमारे एस्ट्रोलॉजर मिस्टर सुनील कुमार जी आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं। अपनी कुंडली जो है हमारे दर्शक जरूर दिखा सकते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं, कौन सी जो दशा है इन ग्रहों की जो कि हमें इस नशे की दलदल की तरफ धकेल रही है, खींच रही है, और किस तरह से हमने खुद का बचाव करना है और किस तरह से हमने अपने बच्चों का बचाव जो है इस नशे से करना है, और यही जानेंगे आज एक बार फिर से हमारे एस्ट्रोलॉजर मिस्टर सुनील जी से। तो सुनील कुमार जी, सबसे पहले स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया। तो सुनील जी, नशा बहुत ही बुरी एक लत जो है इसकी आजकल हमें देखने को मिलती है, तो कई दर्शक जो हैं इस लत से परेशान हैं, जो लेडीज हैं उनको ज्यादा तौर पे प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो हस्बैंड है वो मानते नहीं है बात को। और खास तौर पर मैं बात करना चाहती हूँ सिगरेट और शराब के नशे की, इन दोनों से किस तरह से हमने बचना है और ऐसे कौन से ग्रह हैं या ऐसे क्या कारक बन जाते हैं जो हमें इसकी लत को यानी कि छोड़ने पे हम मजबूर या छूट नहीं पा रही है ये। बात थोड़े से समय की है, लगभग 6 महीने हुए। मैं दिल्ली गया था और वहाँ कॉल सेंटर्स आपको पता बहुत ज़्यादा हैं। मैं दरअसल किसी विज़िट पे गया और वहाँ पे एक कॉल सेंटर था जहाँ की मैंने विज़िट करनी थी, बहुत बड़ा कॉल सेंटर है गुड़गांव का। मैंने वहाँ देखा जो हमारे पंजाब में आम तौर पे देखने को नहीं मिलता, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी सिगरेट में इन्वॉल्व हैं। बड़ी एक चिंताजनक ये बात है, बड़ी वरीसम बात है कि आने वाला जो भविष्य है, जो यूथ है, ये किस तरफ जा रहा है। योग तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये चीज़ें होती हैं और क्यों आज के समय में ज़्यादा क्यों हो रही हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि सरासर गलत है। तो अगर लेडीज ये काम करेंगी तो आगे गाड़ी कैसे चलेगी। आगे तो हम पुरुषों की बात करते थे, मेल्स मेंबर की बात करते थे कि उनका नशा छुड़ाना है, यहाँ तो लेडीज भी इन्वॉल्व, लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं और बड़ी एक चिंताजनक बात है। खैर, आज मैं आपको एक योग बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सिगरेट शराब लगती क्यों है, सिगरेट क्यों लग जाती है, शराब इंसान को क्यों लग जाती है, शुरू ये सीन शुरू कहाँ से होता है। ये सीन जो होता है शुरू ये होता है शो ऑफ से, मज़े से और सिर्फ इंजॉय करने के लिए। और वो इंजॉयमेंट जब आपकी आपको पता भी नहीं चलता कि वो इंजॉयमेंट कब आपकी गले की फांस बन चुकी है, ये आपको समझ ही नहीं आती। मज़े मज़े में, शो ऑफ करने के चक्कर में, इंजॉयमेंट करने के चक्कर में शुरू तो आप कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो इसके रिजल्ट्स होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। एक कई बार लोग आते भी हैं, कहते हैं सर मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं पा रही, मैं चाहता हूं कि छूट जाए लेकिन छूट नहीं पा रही। मैं डी एडिक्शन सेंटर में रह के नशा छोड़ने के अलावा शराब छोड़ने के लिए भी मैं वहां गया था, लेकिन शराब नहीं छूट रही। मैं 4-5 महीने तो ठीक रहा लेकिन फिर मुझे शराब खींच रही है। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए और आपको मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, योग बताऊंगा, जिससे आपकी शराब और सिगरेट, क्योंकि आज हम ये टॉपिक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा यूथ जो है, हमारा जो यूथ आने वाला भविष्य है वो गलत डायरेक्शन पकड़ चुका हुआ है। सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग, मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं मैंने आम तौर पर देखा है, वो सिगरेट का नशा करते ही करते हैं। नशा तो कोई भी बुरा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वर्स, बैड भी है वर्स भी है। और लत चाहे बाइक तेज चलाने की है, गाड़ी तेज चलाने की है नुकसान। तो अगर आप ये उल्टा सीधा काम अब कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा आप इससे दूर रहिए, और नहीं दूर रहा जा रहा तो आप ये योग सुनिए और ये जो उपाय मैं आपको बताऊंगा आज वो सुनिए, शराब और नशा तो छूट जाएगा। कुछ को सख्ती से छोड़ना पड़ता है, कुछ हॉस्पिटल में जाकर छोड़ते हैं, कुछ प्यार से भी छोड़ सकते हैं। आज यहाँ जिसकी बात हो रही है वो प्यार से छुड़वाने वाले की बात ही हो रही है। नशा तो छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट तो छोड़नी पड़ेगी, शराब तो छोड़नी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आपने हॉस्पिटल जाकर छोड़नी है, वो आपकी मर्जी है कि आपने अपने मर्जी से छोड़नी है। सिगरेट और शराब क्यों लगती हैं,
कारण क्या है, योग क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में। सेकंड हाउस, दूसरा घर जो कुंडली का होता है, ये आपका माउथ होता है, आपका मुंह का घर होता है, ये आपका मुंह होता है। और इसमें जो सिगरेट पीते हैं वो लोग सेकंड हाउस को डैमेज करते हैं। राहु जब आपके सेकंड हाउस में होगा, शनि आपके सेकंड हाउस में होगा, पीड़ित होगा। मंगल और राहु की अगर कॉम्बिनेशन यहां बना होगा, अंगारक दोष अगर बना होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। शनि अगर आठवें घर में होगा, राहु आठवें घर में होगा, तो भी ये योग बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये नशा करवा देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको जब मैं ये समझाऊंगा तो आपको समझ लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं। आप इतने बड़े मूर्ख तो नहीं हो सकते कि आप बैल मुझे मार वाला सीना क्रिएट करेंगे। सेकंड हाउस में सिगरेट लगाना, धुआं, यानी कि राहु सिगरेट पी रहे हैं, आप राहु को अपने मुंह के अंदर बिठा रहे हैं, गाड़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि थोड़ा लेके आप उसको पूरी तरह से अंदर गाड़ रहे हैं कि आओ मेरे मुंह में बैठो और मेरा जो जिंदगी का सेकंड हाउस जो है वो पूरा डैमेज कर दो। सेकंड हाउस कुटुंब का, कुटुंब से दूर होने का चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि शराब पी, नशा किया, सिगरेट पी, तो आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़, दूरियां आएंगी आएंगी, क्लेश होगा ही होगा। बैंक बैलेंस का घर, दूसरा घर, ये भी आपका खराब हो जाता है। बैंक बैलेंस जुड़ ही नहीं पाता। इंसेस्ट्रल्स प्रॉपर्टी, आपकी जो जद्दी जायदाद की जब बात करते हैं, तो भी दूसरा घर देखा जाता है। दूसरी शादी का घर भी सेकंड हाउस ही होता है। ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये कुछ बहुत लिमिटेड से मैंने चीजें बताई हैं। इस दूसरे घर से बहुत चीजें देखी जाती हैं, बहुत कुछ होता है जिसे देखा जाता है। और जब ये आप इसको आपने सिगरेट उठा के मुंह में लगाई, यानी कि राहु को आमंत्रण किया आपने, रिक्वेस्ट की आपने उसको कि आप मेरे आके मुंह में बैठिए और बुरी अवस्था में बैठिए और मेरे जो भी दूसरे घर से चीजें जुड़ी हुई हैं वो सारी डैमेज कर दीजिए, मेरे नहीं हिसाब से कोई इतना मूर्ख होगा कि वो जो अपने हाथ से कुल्हाड़ी लेके अपना ही पैर काटने में लगा होगा। तो ये काम आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप बैल मुझे मार वाला काम मत कीजिए। सेकंड हाउस माउथ का होता है, माउथ के थ्रू ही आप सिगरेट पीते हैं, माउथ के थ्रू ही आप शराब पीते हैं और आप अपने दूसरे घर को खराब कर रहे हैं। ये तो रहा इसका लॉजिक। उपाय आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। जी बिल्कुल, फिलहाल क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि द एस्ट्रो ओपीडी में आज हमारी जो चर्चा हम कर रहे हैं, बातचीत जो कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं, वो जुड़ी हुई है हमसे, हमारे घर के मेंबर से। तो इस नशे की आदत, ये जो शराब पीना, क्योंकि कई बार देखा है कि चलो शराब की ये जो प्रॉब्लम है उसे हमने छुटकारा कैसे डालना है, और जो सिगरेट पीते हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है कि जो धुआं है, कई बार क्या है कि कोई घर का जो मेंबर है उसको टॉलरेट नहीं होता है, घर का क्या बल्कि पड़ोसी भी जो हैं वो भी आकर कंप्लेंट करते हैं कि सिगरेट कौन पी रहा है, कईयों को किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। तो इस नशे से हमने किस तरह से छुटकारा डालना है, यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे इससे बचने के हल। जी तो फिलहाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो द एस्ट्रो ओपीडी, जो कि हम हाजिर होते हैं इसी समय इसी चैनल के ऊपर, और हमारे दर्शक जो हैं उनका ढेर सारा प्यार जो है हम तक पहुंच रहा है, और हमें भी पता है कि हाँ अब ये समय जो है द एस्ट्रो ओपीडी के आने का है। हमारे एस्ट्रोलॉजर मिस्टर सुनील जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो दर्शक जो हैं वो पहले से ही टीवी का रिमोट जो है वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम ब्रेक में भी चले जाएं, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि साथ के साथ हमने आकर यहाँ पर डिस्कस करनी है हमारी प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ क्योंकि इंतजार रहता है हमारे दर्शकों को कि हम कब आपकी भेजी हुई ईमेल को हमारे इस शो का हिस्सा बनाएंगे, तो उसका जो सिलसिला है उसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि फिलहाल क्योंकि अब जो टॉपिक था उसको हम डिस्कस कर रहे थे, सिगरेट और शराब के जो नशा है उससे किस तरह से हमने बचना है, किस तरह उसका बचाव किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। आप क्या कर रहे हैं, आपने एक आरी पकड़ी, एक्स पकड़ी और सेकंड हाउस को काटना शुरू कर दिया, और ये जो काट आप रहे हैं ये काट के क्या नतीजा होने वाला है ये आपको आने वाले टाइम में पता चल जाता है। जब ये आप जो योग कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आप ये जो काम शुरू कर देते हैं इसका रिजल्ट आपको देखने में मिल जाता है। हेल्थ का तो आप भूल जाइए कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। सिगरेट का पैकेट खुद चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे को पीने से आपको कैंसर हो सकता है। गले का कैंसर सबसे पहले होता है, सेकंड हाउस की बात कर रहा हूं मैं। और जब सिगरेट का पैकेट खुद बोल रहा है कि मेरे को मत पीजिए, तो फिर भी आप उठा के वो चीज़ कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए।
मूर्खता मत कीजिए, आपकी वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। मैं खैर आपको समझाने यहाँ नहीं बैठा कि आप ये मत कीजिए, आप खुद बहुत समझदार हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपका परिवार आपकी इस लत की वजह से खराब ना हो। देखिए बड़ी छोटी सी बात है कि आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपके मुंह की तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते हैं कि बच्चे ने हमारे स्टैंड होना है, इसी बच्चे ने हमें ऊंचाइयाँ दिखानी है, इसी बच्चे ने हमें कलंक लगवाना है। तो आप ये कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए जो आपको इस राह पे लेके जाए कि माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े, बीवी को शर्मिंदा होना पड़े आप ये काम करने की, आपकी इस गलत हरकत की वजह से। जी अच्छा, जो इस चीज़ का सेवन करते हैं, सिगरेट हो गई, शराब हो गई, उनसे पूछें कि आप इसका सेवन क्यों कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, मैं परेशान बहुत हूँ। ये कोई लेकिन ये हल कैसा है परेशानी दूर करने का कि आप सिगरेट पी रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं? अगर आप सोचिए, अगर आपकी बीवी परेशान है तो वो भी सिगरेट पीना शुरू कर दे तो वो क्या, वो भी आप उसको क्या कहेंगे जी? तो मेरे हिसाब से ये परेशानी दूर करने वाला, ये शराब और सिगरेट जो होती है ये परेशानी दूर नहीं करती है, ये आपका सिर्फ माइंड जो है वो सुन कर देती है, कुछ सोचने समझने की इच्छा ना रहे, और वो सोचने समझने की ना के चक्कर में आप इतना बढ़ा देते हैं इस चीज़ को, एक टाइम ऐसा आता है दिमाग सुन हो जाता है, डेड हो जाता है, सही और गलत में आपको डिसीजन लेना नहीं आता और आपके तकरीबन सभी डिसीजन गलत हो जाते हैं। और मैंने तो कई बार देखा है लोग रोड के ऊपर गिरे होते हैं शराब पी के, अच्छे अच्छे घरों के लोग। इतनी ज्यादा के पावर जो है ग्रहों की, इतनी ज्यादा पावर है। मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ कविता जी, मेरे पास एक फैमिली आई और उनका कहना था, सर बेटा शराब पी के इतनी बुरी हालत है, उसका सेटल होने का टाइम था, ऐसे ही मजे मजे में शराब शुरू कर दी उसने, एक पैक से शुरू कर, पार्टी में पार्टी सेक शुरू कर, कई लोग कहते हैं मैं पार्टी सेक पीता हूँ, ठीक है पार्टी सेक पीजिए, शनि है जो शराब है ये साक्षात शनि है। मैं ये नहीं कहता कि शराब का नुकसान है, शराब का नुकसान उस केस में है जहां आप उसको ओवर कर देते हैं, ओवरडोज हर चीज की नुकसान ही नुकसान है, ओवरडोज हर चीज की नुकसान है, चाहे आप अगर देसी घी भी आप खाना जो आपकी सेहत बनाता है, अगर आपको वो उसको भी आप अगर ओवर खाना शुरू कर देंगे, ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, वो भी नुकसानदायक है, वो भी जहर से कम नहीं है। अगर आप रोटी या जो आप खा रहे हैं वो भी पेट भर भर के खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो वो वॉमिट ही आएगी, उससे कुछ नहीं होगा। एक्सेस जो होती है हर चीज की वो बुरी होती है, शराब के खुद हम उपाय करवाते हैं क्योंकि साक्षात शनि है, तो इसके हम उपाय कराते हैं। हम क्यों कहते हैं शनि खरबपति बनाते हैं, करोड़पति बनाते हैं, क्योंकि शनि जो है ये बहुत कुछ देते हैं, कंडीशन यही होती है कि शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। शराब के कुछ उपाय भी हम करवाते हैं कि इसको आपने ऐसे यूज करना है, इसको आपने वहां रखना है, इसको आपने वहां रखना है, भैरों के मंदिर चढ़ाना है, या इसको आपने इस दिन एक ड्रॉप अपनी जुबान पर रखनी है, बस एक ड्रॉप एज ए मेडिसिन। शराब की लत तब बुरी है जब सड़कों पे लोग गिरते हैं और जिनका रोज का पीना हो जाता है, तो शराब खराब करती है, तो शराब गलत है, तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं, क्योंकि कई लोगों के लिए शराब बहुत खराब है, इसीलिए खराब है क्योंकि पीने के बाद वो लोग अपने सेंसेस से आउट हो जाते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता, चंदर डैमेज हो जाता है जब इंसान ऐसा काम करता है। और क्योंकि चंदर उसके बाद आपकी बुध जो है, बुध की मैं बात कर रहा हूँ, बुध और चंद्र जो ग्रह है, ये एक आपकी इंटेलिजेंस है, एक आपकी सोच है, एक आपकी इंटेलिजेंस है, बुध आपकी इंटेलिजेंस है कि आपको ये काम करना है। बुध भी आप उठाइए कुंडलियां, खुली कुंडली चेक कीजिए, या बुध डैमेज होंगे आपका, अगर घर में अगर कोई बंदा शराब पी रहा है बहुत ज्यादा, या उसका बुध खराब होगा या उसका चंद्र डैमेज होगा, शनि तो खराब होगा ही होगा जी। अच्छा, ये जो दवाइयां हमें बताते हैं कि आप दवाई लीजिए, ऐसी दवाई जो है वो असर करेगी उस शराब की, आप देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कविता जी, अगर आपने मन बना लिया कि मैंने शराब छोड़नी है तो आपको दवाइयां लेने की जरूरत भी नहीं है, बाकी मेडिकल साइंस है, आप ले सकते हैं मेडिसिन, उसमें उससे भी जो शराब छूटती है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजिकली आज मैं उनकी बात करूंगा, आज मैं वो उनको उपाय बताने जा रहा हूं जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं, जिनके बच्चे सिगरेट पीते हैं, जिनके हस्बैंड सिगरेट पीते हैं, छोड़ना नहीं चाहते और हमें चोरी चोरी छुड़वानी है जी। ये आज तक उपाय किसी ने नहीं बताया, आज तक ये इतना इफेक्टिव उपाय है कि आप इसको करके देखिए, रिजल्ट आपको आ जाएगा। शराब आपके हस्बैंड अगर शराब पी रहे हैं, आपके वाइफ लेडीज अगर शराब पी रही हैं, नहीं छूट रही है, ये उपाय कर लीजिए, शराब छूट जाएगी। छुड़ाऊंगा प्यार से, लेकिन छूटेगी जरूर, मैंने ये जिद है मेरी, ये मैंने ठानी हुई है कि अगर मेरे पास कोई नशे का केस आता है या कोई शराब सिगरेट का केस आता है तो उसको मुझे छुड़ाना ही छुड़ाना है, हर तरह का उपाय। मेडिकली अगर जरूरत होगी तो मेडिकली भी कहूंगा कि मेडिकली जाके ट्रीटमेंट ले लीजिए, साथ में ये मेरा उपाय कीजिए, लेकिन हमें आज की डेट में हर उस घर को टूटने से बचाना है जो शराब की वजह से टूट रहा है, जो सिगरेट की वजह से टूट रहा है। तो उपाय अब आपको बताने का टाइम आ चुका है, मैं आपको सिगरेट और शराब छुड़ाने का उपाय बताता हूँ। शराब का उपाय, जो लोग शराब
छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनकी वाइफ जो है वो ये कर सकती हैं। लॉजिकली आपको एक ढक्कन जो है शराब का अरेंज करना है, यानी कि एक ढक्कन शराब आपको चाहिए। उसको आप दिन कोई भी होगा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप सैटरडे का दिन इसको चूज कर लीजिए, शाम के टाइम ये रेमेडी करनी है। एक शराब ले लीजिए, एक ढक्कन पर शराब ले लीजिए और इसको एक लोहे के बर्तन में डाल दीजिए। यानी कि आज हम शनि को ठीक करने जा रहे हैं, शनि से ही, शनि डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड से ही डायमंड कट होता है, लोहा लोहे को काटता है और शराब ही शराब को आज काटेगी। शराब ले लीजिए, उसके अंदर इसको आप डालिए उसके लोहे के बर्तन में और एक साथ में एक घास का टुकड़ा इसके अंदर डाल दीजिए और ये जो आपने सामान तैयार किया है इसको जो ड्रिंक कर रहा है उसके सिरहाने के नीचे यानी कि उसके बेड के नीचे रख दीजिए और उसको पता नहीं लगना चाहिए कि उसके नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है। बेड के नीचे रख दीजिए, सुबह उठिए और उठ के उस जो आपने लोहे के बर्तन में शराब रखी हुई है घास के टुकड़े वाली वो उठाइए और ये ध्यान रखिएगा कि उसको पता ना चले। पता क्यों ना चले, इसमें कोई ऐसा वो डरने वाली चीज़ नहीं है कि पता चल जाएगा तो क्या होगा। मैं इसलिए ये लॉजिकली सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वो चीज़ छुड़वाने जा रहे हैं जो उसकी सबसे प्यारी और सबसे खास चीज़ है, इसलिए उसको पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसको पता चलेगा तो लाइक कलेश होगा, ये चीज़ सिर्फ इसलिए पता नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज इसका कोई नहीं है, कोई आवाज़ दे देगा, कोई काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि शराब उसकी खास चीज़ है, आप उसको छुड़ाने जा रहे हैं, इसको देख के उसको गुस्सा आ सकता है, लड़ाई या क्लेश हो सकता है, सिर्फ इसलिए उससे चोरी ये उपाय आपको करना है जी। बाहर ले जाके एक कपूर की टिकिया लीजिए, उसके ऊपर उसके अंदर डालिए, उसको जला दीजिए, जो राख बचेगी उसकी राख जो होगी वो मंदिर में जाके किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए या बाहर भी किसी पौधे के बीच में डाल दीजिए। जैसे ही आपको ये रिजल्ट दिख जाए कि विस्की की तरफ से, शराब की तरफ से उसका ध्यान हट रहा है, ये उपाय एक बार दोबारा शनिवार के दिन रिपीट कर दीजिए। ये तो हो गया शराब छुड़ाने वालों के लिए, अब बात आई सिगरेट छुड़ाने वालों के लिए। अगेन डायमंड कट्स डायमंड, लोहा है लोहे को काटेगा और सिगरेट ही सिगरेट को छुड़वाएगी। करना क्या है, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, मिट्टी यानी कि मंगल, लाल बर्तन जो होता है मिट्टी का वो मंगल होता है। मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा आपको गौमूत्र डालना है, साथ में थोड़ा सा देसी घी गाय का डालना है और साथ में उसके अंदर एक ऑरेंज संदूर जो हनुमान जी को संदूर चढ़ता है वो डालना है। इसके साथ ही एक सिगरेट लीजिए, उसको मसल के, हाथ से मसल के उसका जो मसाला होता है उसके अंदर डाल दीजिए। अब जिसकी सिगरेट आपने छुड़ानी है उसके सिर से 7 times एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए और वारने के बाद इसको बाहर जाके चला दीजिए, राख जो होगी वो किसी पौधे में डाल दीजिए और आप समझ लीजिए इंसान का दिल जो है सिगरेट से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। और जब आपको रिजल्ट आ जाए तो एक बार उपाय दोबारा रिपीट कर दीजिए जी। तो फिलहाल आज हमारे दर्शकों के लिए ये उपाय जो हैं वो बताए गए हैं, स्पेशली उनके लिए जिनके हस्बैंड या बच्चे या फिर खुद हम शराब या फिर सिगरेट का सेवन करें, तो इसके बचाव जो है वो हमने यहाँ पर ज़रूर करना है। तो फिलहाल हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक के ज़रिए और इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के हमारे लकी दर्शक कौन हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है, वो है मिस्टर राकेश आर बेदी। इन्होंने यूके से हमें ईमेल भेजी है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप बहुत ही इंटेलिजेंट और लॉजिकल तरीके से समझाते हैं, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, जब भी मैं इंडिया आया डेफिनेटली मैं आपसे मिलकर जाऊँगा। आपको यूट्यूब पर मैं रेगुलर वॉच करता हूँ, मेरी किस्मत अच्छी हुई तो शायद मेरी ईमेल यहाँ पर पढ़ ली जाएगी। तो राकेश जी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो कि हमने आपकी ईमेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो एक्चुअली मैं 7 से यूके में रह रहा हूँ लेकिन अभी तक पक्का नहीं हो पाया हूँ, अब लगता है कि कहीं ऐसे ही मुझे वापस ना आना पड़ जाए, मेरी कुंडली आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसका वीक पॉइंट जो है वो पकड़ लेंगे और मुझे यहाँ पक्का होने का हल या उपाय जो है वो जरूर बताएंगे। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शो को पसंद कर रहे हैं, रादर आप ये सोच के चलिए कि मेरा थोड़ी देर तक चक्कर लगने वाला है, रादर मैंने ये भी कहा है कि कनाडा और मेरा ऑस्ट्रेलिया और यूके वाली साइड चक्कर जल्दी लगने वाला है और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं यूट्यूब पे वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं इस साइड की। तो अभी आपकी जो प्रॉब्लम है जो आपने बताई है कि आपका वीक पॉइंट कोई आज तक नहीं पकड़ सका, वो वीक पॉइंट हमने पकड़ लिया है और मैं आपको वीक पॉइंट बता भी देता हूँ। आपका जो बाहर जाने का प्लान था और जब आप गए भी हैं और आप आज आपको 7 years हो चुके हैं, आप वहाँ सेटलमेंट नहीं हो पा रही आपकी,
मैं आपको लॉजिक यहाँ पे टेलीविज़न पे नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेलीविज़न पे इतनी लंबी डिस्कशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कभी आपका मेल हुआ मेरे साथ तो मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या रहा है जिसकी वजह से आपको ये ट्रबल आ रही है। आप सिर्फ इतना काम कीजिए, अगर आपको गोरोचन, जो गोरोचन होता है, अगर आपको ये मार्केट से कहीं मिल जाए, इंडियन स्टोर से मिल जाए, नहीं मिलेगा तो इंडिया से किसी से मंगवा लीजिए, ये आप लगा के इसका टिक्का लगाना, इसका तिलक करना अगर शुरू कर दीजिए, रेगुलर शुरू कर दीजिए, फॉरेन सेटलमेंट आपकी कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। कारण इसका क्या है, मैं इतना क्यों स्ट्रांगली कह रहा हूं, क्योंकि आपके कुंडली के अंदर एक योग है जिसको ठीक करना बड़ा ही इजी है, जो आज तक किसी ने समझा नहीं है। सिर्फ गोरोचन का टिक्का तिलक जो है वो आप इस उंगली से अपने माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए, डेली लगाइए, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। फिर आपकी दोबारा मुझे मेल आने वाली है कि सर आपका वाकई आपने मेरा वीक पॉइंट पकड़ लिया है, वीक पॉइंट क्या है वो आपको मैं मिलने में बताऊंगा। जी फिलहाल राकेश जी, आपने हमें ईमेल भेजा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार, यानी कि हर आप हमारा जो एपिसोड है उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और आपका जो ईमेल है हमने यहाँ पर लिया है आज के लिए। तो फिलहाल हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत जल्द वहाँ पर पक्के हो जाएं, और जैसे ही आपका चक्कर लगता है आप हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे बाकी के जो दर्शक हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जैसे कि जो दर्शक ऑलरेडी बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं उनकी भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि पक्के होने को लेकर, चाहे बच्चों से रिलेट है, चाहे आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, वो भी आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने लिए भी हल। तो फिलहाल अपनी कुंडली जो है, हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं इंडिया में जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी कुंडली जो है वो जरूर दिखा सकते हैं, तो उसके लिए भी यानी कि अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले टिप ऑफ द डे जो कि बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो आज के लिए हमारे यानी कि टिप ऑफ द डे क्या रहेगा दर्शकों के लिए? आने वाले टाइम में अब एग्जाम्स के दिन शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों के लिए एक मैं टिप देने जा रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको दिक्कत भी आ रही है, जिनको दिक्कत नहीं भी आ रही है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सभी के लिए है, सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं और जिनके एग्जाम्स हैं, वो ये उपाय करें कि आप जब भी पढ़े, एक तो फेसिंग जो हो ईस्ट की तरफ हो आपकी, और आप अपने इनके बच्चों के रूम के अंदर एक कॉपर का सन लेके, सूर्य का छोटा सा एक सूर्य मिल जाएगा बाजार से, मार्केट से कॉपर का, वो इनकी ईस्ट वॉल पे लगवा दीजिए। बच्चे जब भी पढ़ें तो इनका फेस जो होगा ईस्ट की तरफ होगा, और जो कॉपर सन होगा ये भी आपने वॉल पे लगाना है, ईस्ट वाली वॉल पे। इससे क्या होगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन बनेगी और बच्चे का सूर्य स्ट्रांग रहेगा, और बच्चे को जो जो बच्चा पढ़ेगा उसको ये याद रहेगा, और ये बहुत एक इफेक्टिव उपाय जो है आपको करने को मिलेगा, इसका रिजल्ट भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी, तो फिलहाल आप अपने बच्चों के लिए इस टिप को जरूर इस्तेमाल में ला सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद।